अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोई पीज़ादा। राइट नाउ इस वक्त मैं हूँ नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी के अंदर, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेमिनार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसे कंडक्ट किया, और इससे पहले कि मैंने कहा मैं यहाँ से निकलूँ, मैं यहाँ से अपना एक अपडेट इसके हवाले से रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसके दो फोकसेस हैं। एक तो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो यहाँ सेमिनार हुआ उर्दू में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे तो उसको ब्रॉडकास्ट किया गया मोहित पीज़ादा ऑफिशियल चैनल पर, और मेरा ख्याल है कि अंदाजन उसको पहले डेढ़ घंटे में कुछ तकरीबन 30,000 लोग जो हैं वो देख चुके हैं। लेकिन चूँकि ये अंग्रेज़ी में था उस कॉन्वर्जेसन में, और क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे शायद सब लोगों ने सब देखा भी ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा समअप करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, यहाँ पे कौन कौन था, इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया। और दूसरा ये है कि जो ये था किस हवाले से, और फिर जो कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है, विच इज़ अ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको उर्फ़े आम में लोग कांग्रेस कहते हैं, वो कल हेयरिंग हो रही है 20 तारीख को, जहाँ पर डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं सेंट्रल एशियन अफेयर्स के लिए और साउथ एशियन अफेयर्स के लिए, वो वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उसके हवाले से भी मैं कुछ कमेंट जो है करना चाहता हूँ, कुछ उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं इस वक्त एक गैलरी, एक कॉरिडोर में बैठा हूँ नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में। पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया, मैंने जिक्र बहुत सुना था कि बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सी इज़ बिलीविंग, शानदार जगह है। पहला काम मैंने किया है कि मैंने यहाँ की मेम्बरशिप जो है वो ले ली है, जो बहुत आसानी से मिल जाती है, बिकॉम बीइंग ए जर्नलिस्ट, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और सेकेंडली ये है कि ये एक बहुत बड़ा मीटिंग ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लोग, सेनेट के लोग आते हैं, यूएस गवर्नमेंट के लोग आते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जर्नलिस्ट जो हैं बहुत आते हैं, मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं हर किस्म की। तो यहाँ पर दोबारा भी यहाँ से आपसे, इसके कॉरिडोर से आपसे मुलाकात जो है होगी एज ए मेम्बर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये डॉक्टर आसिफ महमूद जो डेमोक्रेटिक पार्टी कैलिफोर्निया के एक बहुत एक्टिव मेम्बर हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनसे आप बहुत वाकिफ़ हैं, मैंने भी उनका एक दो दफ़ा पहले इंटरव्यू भी किया था, ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, वो इसके होस्ट थे। और उनके साथ डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ रायन ग्रिम, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं इंटरसेप्ट पब्लिकेशन, इंटरसेप्ट ऑनलाइन पब्लिकेशन के वाशिंगटन डीसी के लिए, और इससे पहले हफिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। तो रायन ग्रिम इसके को होस्ट थे। मेरा रोल इसमें एक मॉडरेटर की हैसियत से था, जिसमें मैंने लोगों को बुलाया, और एज अ मॉडरेटर मुझे ये फैसिलिटी थी कि मैंने लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाया, और साथ में अपने बहुत से कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्शन के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, यूएस रोल के हवाले से, कि यूएस का रोल पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से क्या होना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो इसकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो GBS न्यूज़ के ऊपर पड़ी हुई है, कि 90 मिनट की प्रोसीडिंग है, इसे आप वहाँ देख सकते हैं। अभी भी इसको मैंने देखा है कि 5-6 हज़ार लोग पर घंटे के हिसाब से इसे देख रहे हैं, आप इसको देखिए। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बोला किस किस ने, यहाँ पे बोला डॉक्टर आसिफ महमूद बोले, यहाँ पे रायन ग्रिम बोले, यहाँ पे अर्ल स्पर्लिंग जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्ट फॉरेन पॉलिसी के, जो कि एक NGO है, एक लॉबिंग ग्रुप है, जो डेमोक्रेसी के हवाले से, ये एक सेंटर ऑफ द लेफ्ट, ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक ग्रुप है, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का जो वर्ल्ड वाइड फॉरेन पॉलिसी का रोल है उसके ये बहुत ग्रुप खिलाफ है, तो वो भी यहाँ पर बोले। फिर सलमान अहमद, जिनकी जो जुनून के फाउंडर हैं और इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, वो बोले। और सलमान अहमद और उसके अलावा यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्नल सैयद अकबर हुसैन जो है वो बोले। दोनों ने बुनियादी तौर पर बात की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से। सलमान के घर पे हमला किया गया पाकिस्तान में, उनको बहुत हरासा किया गया, सलमान ने उसकी कंप्लेन जो है वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI में अंडर द एम्बिट ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रखी है, उन्होंने इन राइटिंग कंप्लेन की गई है। मुझे भी कहा गया था कि मैं इन राइटिंग कंप्लेन करूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, मैंने नहीं किया। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं अभी उस रास्ते के ऊपर नहीं जाना चाहता, बिकॉज मुझे पहले थ्रेट्स देते रहे, वो बंद कर दिए वैसे, जो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भेजे जाते थे कि काला इतने का मिलता है, और कालों की तस्वीरें लगा के उसके साथ दिया जाता था कि डॉक्टर पीज़ादा हाउ इज़ योर डे गोइंग। तो जब मैंने कांग्रेस की एक मीटिंग में कंप्लेन की, और जब कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको कहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप कम अज़ कम, अगर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहते तो ऑफ़ द रिकॉर्ड आप उनसे कंप्लेन करें, उनको ये बाबर करवा दें कि एनी जर्नलिस्ट टू बी अटैक्ड ऑन द सोयल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी कंसिडर्ड बाई द US कांग्रेस एज एन अटैक ऑन द US सॉवरेनिटी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद से वो जो मैसेजेस मुझे आया करते थे वो रुक गए। तो मैंने तो खैर कोई फॉर्मल रिटन कंप्लेंट जो है वो नहीं की,
लेकिन डॉक्टर सलमान ने आज ये बताया है, और अकबर जो हैं कर्नल अकबर, कर्नल रिटायर्ड अकबर ने बताया, वो US सिटीज़न है 20 बरस से, और पिछले 10 दिन में उनको पाकिस्तान की एम्बेसी ने एक बिल्कुल अजीब गरीब किस्म की चीज़ की है, जो मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के एम्बेसडर इतने मंझे हुए डिप्लोमेट हैं जनाब मसूद खान साहब, उनके होते हुए या तो वो बिल्कुल बेचार बेबस हैं और इसे कहते हैं उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और यहाँ जो अफसर काम करते हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने ये चीज़ की है। लेकिन एक अनसाइंड लेटर भेजा गया सैयद कर्नल अकबर हुसैन साहब को, जिसमें कहा गया कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं और आप फला जगह अदालत में पेश हो जाएं, और उसमें चार्जेस में भी डेथ पेनल्टी भी लिखा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ियाँ की जा रही हैं यहाँ पर इस सेमिनार के अंदर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एम्बेसी के भी दो ऑफिशियल आए हुए थे, और कम अज़ कम मैंने तो कोशिश की कि मैं उनको बावर करवाऊँ कि आप एम्बेसी को और पाकिस्तान फॉरन ऑफिस को बताएं कि इस किस्म की लिटरली इतनी बेवकूफ़ी की हरकतें आप ना करें, बिकॉज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है वो एक नॉर्थ अमेरिका का लीगल इंस्ट्रूमेंट और कानून है जो मसलसल डेवलप कर रहा है, गो कि अभी इसे फाइनल अप्रूवल मिलना है US कांग्रेस का। इसका जो बिल है वो मार्च 2023 में फाइनली इंट्रोड्यूस हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, और ये इसलिए पास हो जाएगा कि ये एक बाई पार्टिसन बिल है। अमेरिका में एक बिल को पास होते हुए साल, सवा साल, डेढ़ साल लगता है, वो अपने पूरे रीडिंग्स कंप्लीट करता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो चूंकि ये एक बाई पार्टिसन बिल है, ये अप्रूव हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा, और इसकी इसी तरह का जो कानून है वो कैनेडा में भी शायद बन चुका है। लेकिन बावजूद इसके कि अभी ये कानून फाइनल बना नहीं है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, जो अमेरिका की फेडरल पुलिसिंग एजेंसी है और जिसकी ग्लोबल रीच है, ये कोई नॉर्मल पुलिसिंग एजेंसी नहीं है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी दुनिया में लोगों को गिरफ्तार करती है और उनको गिरफ्तार करती है। अच्छा, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन लॉ की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है दुनिया अमेरिकन लॉ की। वैसे तो कहने में बहुत से कानून ऐसे हैं, पाकिस्तान ने भी कहीं लिख के रखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक जो है वो ग्लोबली होता है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तानी स्टेट जो है उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन दे सके। लेकिन अमेरिका के जब कानून बनते हैं और उनको ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो अमेरिकन एजेंसी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI है, वो एम्पावर्ड है कि अमेरिकन कानून की इम्प्लीमेंटेशन वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कर सकती है। और आपको पता है कि एमल कांसी, जिसने एक CIA के एजेंट को वाशिंगटन में कत्ल किया, 90s की बात है, उसके बाद वो थोड़ के पाकिस्तान चला गया, बलूचिस्तान में उसने पनाह ली भी थी, उसको बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने मजबूर किया, उसको वहाँ से गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिन्होंने बगैर किसी लीगल ड्यू प्रोसेस के कांसी को FBI के हवाले कर दिया था, FBI की टीम के, उसके बाद में सजाएं बहुत हुई एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो ये पाकिस्तान में ठीक है, ऊपर से ऊपर ऐसे गैर जिम्मेदार इररेस्पॉन्सिबल बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की नीचे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से बहुत सी गलतियां करवा रहे हैं, जुडिशल ऑफिसर से गलतियां करवा रहे हैं, लेकिन उनको मैं ये बात उनको समझाना चाहता हूँ, अगर उनकी बात उनकी समझ में आ सके, कि इस वक्त आप अपनी नौकरी के चक्कर में या अपने किसी प्लॉट के चक्कर में या किसी अफसर को खुशनुदी करने के लिए आप जुराइम में मुलविस हो रहे हैं, और जब आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की मद में उसके मैंडेट में आने वाले जुर्म का इर्तकाब करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन कौन से जुराइम हैं, तो आप अमेरिका के इस नए कानून की जद में आएंगे, और आप पाकिस्तान में हों या अमेरिका में हों या दुबई में हों, आप रिटायर हों या हाजिर सर्विस हों, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझें, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो गूगल में जाएं और वहां जाकर किसी भी वेबसाइट से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को आप पढ़ें और देखें कि इस कानून की एम्बिट जो है वो किस किस्म की होगी। और ये चीज़ मैं पाकिस्तान के जो आर्मी और सिविल के अफसरान हैं, जो कर्नल लेवल के हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कहीं गलती करके आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जुर्म के इर्तकाब आप ना करें। अब उसके जुर्म के दो पहलू जो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जब मुझे मौका मिला एज मॉडरेटर अपने कमेंट्स ऐड करने का, तो मैंने वहाँ पर भी ये समझाया कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि अमेरिका के अंदर किसी रेजिडेंट को, किसी स्टूडेंट को, किसी सिटीजन को, सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है, कोई अमेरिका में रेजिडेंट है, इलीगल भी रेजिडेंट होगा या स्टूडेंट भी है, वैसे आके यहाँ छुपा हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, असाइलम में है, अगर उसे कोई बैरूनी हुकूमत जिस मुल्क से वो आया है वो उसे हार्म करती है या हार्म करने की कोशिश करती है, तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जद में आता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर उसको, अगर कोई शख्स यहाँ पे जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो अमेरिका के अंदर अमेरिका के कानून, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट है, फोर्थ अमेंडमेंट है, फिफ्थ अमेंडमेंट है, उसके तहत अगर वो अपना कुछ भी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है,
जो अमेरिका के कानून से मतसादम नहीं है, और उसकी होस्ट कंट्री के अंदर जो हुकूमत है, जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है, सीरिया है, इराक है, वो वहाँ पर उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसके बिजनेस को, उसके बिजनेस पार्टनर्स को हरासा करते हैं, तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जद में आता है। और जैसे कि मैं जानता हूँ और आप जानते हैं कि सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ इस किस्म की चीज़ें की गई हैं। अभी हाल ही में रिजवान सयान जो हैं उनको जिस तरह से गुजरांवाला में उनको अरेस्ट किया गया, ये क्लियरली एक एग्जांपल है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की। लेकिन और भी बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन जिन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा, उन्होंने कोई कमेंट कर दिया फेसबुक के ऊपर, और उनके घर वालों को, बहन भाइयों को, उनके बिजनेस एसोसिएट को, उनके मुलाजिमों को या उनकी प्रॉपर्टी को जो पाकिस्तान में टारगेट किया गया है, तो वो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो खास पुलिस ऑफिसर हों या जुडिशल ऑफिसर हों या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से जिनका ताल्लुक है, या कोई आर्मी के जूनियर ऑफिसर हैं या इंटेलिजेंस के, जो पाकिस्तान के अंदर उन गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस हैं, ख्वाब उसको किस तरह से पाकिस्तान के कानून में डिफाइन करें। अव्वल तो कोई पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के घरों के अंदर जाकर जो है वो घुस जाएं, उनके दरवाजे तोड़ें, उनके लोगों को उठा लें, उनको कई कई दिनों के लिए डिटेन कर लें, उन्हें जदुकूब करें। लेकिन अगर आपने कोई अजीबोगरीब किस्म का कानून आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं और आप वो कानून सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डॉट कनेक्टिंग से जबकि नज़र आएगा कि किसी ने कोई ट्वीट किया था, किसी ने कुछ बोला था, और उसके नतीजे में आप पाकिस्तान में उसके घर वालों को, बहन भाइयों को, उसके बिजनेस पार्टनर्स को, उसके बिजनेस को आप हरासा कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये क्लियरली अमेरिकन कैनेडियन लॉ जो है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, उसकी जद में आता है। अब चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त टट्टू किराए के बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा अबलाग के बंदर भी हैं, सियासत में भी हैं, वो हो सकता है कि मेरे इस वीलॉग को सुनने के बाद आपको एक नेगेटिव मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा करें और गालियां वालियां मुझे निकालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तमाम पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ, और आप में से अक्सर लोगों को अंदाज़ा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत कम गलत होती है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की आप जद में आएंगे, वो तमाम लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं एक्सपैट पाकिस्तानियों के साथ, खा वो एक्सपैट पाकिस्तानी अमेरिका में हो या कनाडा में हो या बरतानिया में हो, यूरोप में हो, आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जुर्म के जद में आएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, आप गिरफ्तार भी अल्टीमेटली हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में गिरफ़्तार नहीं होंगे तो यूरोप में गिरफ़्तार हो जाएंगे, मशरक़ वस्ता में गिरफ़्तार हो जाएंगे, और ये जो टिन पॉट रिपब्लिक हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये आपको गिरफ़्तार करके हवाले कर देंगे अमेरिकन के। इसको अच्छी तरह से अपने जहन में इस चीज़ को रखिए। अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसको, कानून को ठीक तरह से इस्तेमाल किया नहीं है, कि उनका लिहाज भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी है, बहुत घबराए हुए हैं, उनको ठीक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन कानून बन रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, इसी तरह से पाकिस्तान एम्बेसी के जो ऑफिशल्स हैं जिन्होंने ये खत भेजा है, अब वैसे मज़े की बात यह कि साइन के बगैर भेजा है उन्होंने कर्नल रिटायर्ड अकबर को, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था, ये बड़ी आपने गैर दानिशमंदानी की बात की है। तो ये डिस्कशन भी यहाँ पर खासी हुई है ट्रांसनेशनल के हवाले से, जिसमें सलमान ने भी उसकी बात की और फिर कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन जो है उन्होंने भी इसकी बात की। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर उठा है, जो पहले भी उठ रहा था लेकिन आज फिर उठा, कि क्या हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें या वर्ल्ड बैंक के बाहर करें या यहाँ हम जो सेमिनार करें नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, तो क्या हम पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हैं जो हम सारे ट्वीट करते हैं? नहीं। बहुत से लोग यकीनी तौर पे अपने लबो लहजे को या अपने अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, जब भी कहीं एक मैसिव पोलिटिकल कैंपेनिंग या प्रोटेस्ट होती है तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो गलत करते हैं, अल्फाज का चुनाव गलत करते हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री उसको रगड़ते रहते हैं। लेकिन टू ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन या डायस्पोराज पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ, कम से कम मैं समझता हूँ एज एन एनालिस्ट की हैसियत से, कि बहुत ही कम अभी भी पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के एक इदारे की हैसियत से ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज, दी आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एक कौमी इदारा है, जिसमें किसी भी वक्त में हाफ अ मिलियन से, यानी 5-6-7 लाख तो हाजिर सर्विस पाकिस्तान आर्मी के अफसरान हैं, जवान हैं, उसमें आदमी हैं, उसमें औरतें हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के ख़ानदानों को, कबीलों को, सूबों को, पूरे मुल्क की आबादी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही कम घराने और कुंबे ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई शख्स जो है वो आर्मी में मेजर नहीं है, कर्नल नहीं है, कैप्टन नहीं है, लेफ्टिनेंट नहीं है, जवान है, हर गांव में उनकी प्रेजेंस है। तो पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल इदारा है, एक कौमी इंस्टीट्यूशन है, उसमें पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, और कोई इस इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, उसका अपना रोल है। जंग हो या अमन हो या सुलह हो, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक रोल है। सुनामी हो, जलजला आ जाए, फ्लड्स आ जाएँ, तूफ़ान हो जाए, मैसिव एक्सीडेंट्स हो जाएँ,
बच्चे कहीं फंस जाएं, हर जगह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का उसमें रोल है। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो जो है उनकी बड़ी कैपेसिटी है चीज़ों को सर्व करने के लिए, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस रिप्रेजेंट करती हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट जो गुज़श्ता 50-60 बरस में पाकिस्तान के लोगों ने अपना पेट काट के की है, टैक्स पेयर्स ने, और सैकड़ों हज़ारों लोगों ने और घरानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं जंगों के अंदर अगेंस्ट दी इंसर्जेंसीज। मसला है पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर का, ये वो टर्म है जिसका मैंने, पॉलिटिकल साइंस की टर्म है जिसका मैंने दर्जनों दफ़ा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में जिस तरह सिविल सर्विसेज में एलीट कैप्चर है, पुलिस में एलीट कैप्चर है, पॉलिटिक्स में एलीट कैप्चर है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो एलीट कैप्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से बदकिस्मती में पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी टॉप पर एक एलीट कैप्चर है, जहाँ पर एलीट जो जनरल्स हैं जो बड़े अमीर भी हैं जो ताकतवर भी हैं उन्होंने करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया है अपने ज़ाती इंटरेस्ट में। वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज आसिफ अली जरदारी के, नवाज शरीफ के या मरियम नवाज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जब लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो ये बहुत ही क्लेवर तरीके से अपने आप को आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के अच्छे नाम के पीछे छुपा लेते हैं, और फिर लोगों का काउंटर अटैक जो है वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में होता है। और जिस तरह से पुलिस को और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को और DMG के अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इनएविटेबली उसका नतीजा ये निकलता है कि नागुजीर है कि वो फिर एक शदीद तनकीद का, रिएक्शन का और रद्द अमल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन एक्चुअल जो झगड़ा है वो इस एलीट कैप्चर के ख़िलाफ़ है तमाम लोगों का। और ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी को किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अगर रेपिस्ट हो या कत्ल कर दे तो वो डॉक्टर जो है वो मुजरिम है, खा वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, वो पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही मेडिकल प्रोफेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरी जर्नलिज्म पे, मेरे कमेंट्स पे अगर किसी को एतराज़ है, किसी को मेरा तर्ज सहाफ़त जो है पसंद नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे सहाफ़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या मीडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बास टेलीविजन एंकर्स जो हैं उन्होंने लोगों से प्लॉट ले लिए, बहुत से पैसे ले लिए, उन्होंने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर गिरफ्तार शुदा ऐसे लोगों को जो अगवा में थे, रिप्रेशन के प्रोसेस में थे, उनके राह के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वहाँ पे रिकॉर्ड करवाई, ये उनका ज़ाती फेल है, ये पाकिस्तानी मीडिया का जो है ये फेल नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इसमें डिस्कस हुई है किसी हद तक। फिर एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर ARY के जो रिपोर्टर हैं वाशिंगटन के अंदर, वेरी इंटेलिजेंट मैन, जहाँज़ेब साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने डिस्कशन में बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो जहाँज़ेब साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि भाई आप, उन्होंने डॉक्टर आसिफ महमूद से एक क्वेश्चन पूछा कि आप अमरीका से या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो ये भी कहते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के कहते और समझते रहे हैं, और मैं भी ये कहता और समझता रहा हूँ, लेकिन जो रिक्वेस्ट और अपील हम यहाँ पर कर रहे हैं अमरीका में, वो हम अमेरिका के सिस्टम से कर रहे हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट यह है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो एज़ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन सिस्टम की वैल्यूज़ के बिल्कुल एन मुताबिक है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम दिन रात की कहता ही तो यही है, यूक्रेन हो या बेलारूस हो या रशिया हो या बोलीविया हो या वेनेजुएला हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वियतनाम हो, हांगकॉन्ग हो, तो अमेरिकन सिस्टम जो आवाज़ उठाता है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, वो आवाज़ उठाता है डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो हम ये कहते हैं कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन ऑन 8th February 2024, और अमरीका को कोई इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अमरीका को, अमरीका के सिस्टम को, अमरीका की कांग्रेस को, अमरीका के ज़राए अबलाग और मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों के साथ, और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है विच इज़ इन एज अकॉर्डेंस विद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, उसके साथ अमेरिका की कांग्रेस को खड़े होने की ज़रूरत है, और यही फोकस होना चाहिए कांग्रेशनल हेयरिंग का भी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बड़ी तफसील से आज जो है इसकी डिस्कशन हुई है, आप वो इंग्लिश में अगर देखेंगे सारा जो सेमिनार की प्रोसीडिंग है 90 मिनट की, तो उसमें वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फाइनली मैं आपको ये कह दूँ कि, और ये भी मैंने कहा कि मैंने वो कहा भी है इंग्लिश में, कि इमरान खान जो है वो एक पॉलिटिशियन है जस्ट लाइक एनी अदर पॉलिटिशियन, और जिस तरह से पॉलिटिशियंस और स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन से बहुत सी गलतियाँ होती हैं, उनसे ब्लंडर भी होते हैं, वो बहुत सी पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, इमरान खान ने गलतियाँ भी की हैं, गलतियाँ, और इमरान खान, अच्छा ग्रेटनेस ये है इमरान खान की कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े जुल्म किए, बड़े ब्लंडर किए, चोरी चकारी की, बहुत कुछ किया, आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मौलाना फजल रहमान ने, उससे पहले भी लोगों ने, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है
कि जिसने अपनी ज़ाती गलतियाँ और अपनी सियासत की गलतियों का एतराफ़ किया है। 6-7 तो उसमें बड़ी बड़ी हैं। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि मुझे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि हमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो भेजा काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ हमें नहीं भेजना चाहिए था। इमरान खान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है ये भी कि मुझे रेहम खान से शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमें फ़लाँ चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने इमरान जब उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने रेहम खान से डिवोर्स दी तो मेरी मैंने बहुत अच्छा जो फैसला किया कि मैंने रेहम खान को डिवोर्स दे दी। तो इमरान खान एक बहुत अजीब इस मामले में यूनिक शख्सियत है जिन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और किसी और पाकिस्तानी सियासतदान ने कभी इतना खुल के अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं किया, विच इन माई आईज़ इन मैनी आईज़ मेक्स इमरान खान मोर इम्पॉर्टेंट एंड अ ग्रेटर पर्सनैलिटी, कि वो इतना एक मुख्तलिफ किस्म का शख्स है। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये था कि इमरान खान ने बड़ी गलतियाँ की पॉलिटिक्स में। इमरान खान ने हो सकता है दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में बहुत सी गलतियाँ कर दी हूँ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि अमेरिकन सिस्टम पाकिस्तान के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट और इलेक्शन राइट और उनकी डेमोक्रेसी और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनके ह्यूमन राइट्स और उनके रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं समझता हूँ, जस्ट माई लास्ट वर्ड, यहाँ पर खासा शोर भी है, पता नहीं आवाज़ कैसी कैप्चर हो रही होगी। मैं अभी शुरू हो गई है कोई एक्टिविटी यहाँ पर, जिस कमरे के बाहर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कोई एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो रही है और मेरा ख्याल है कोई सफाई वगैरह यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो मुझे बस लास्ट एक वर्ड में ये कहना है कि अमेरिकन जो कल कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसका थोड़ा सी डायरेक्शन जो है वो गलत हो गई है, कि इन द सेंस कि इसका सारा फोकस लगता है कि डोनाल्ड डू के ऊपर है और डोनाल्ड डू ने वहाँ पर एक अजीब सिंडरेला किस्म की स्टोरी की टेस्टिमनी जो है वो भी उसने वहाँ पर रिकॉर्ड जमा करवाई है। असल फोकस होना चाहिए था पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ह्यूमन राइट के ऊपर, लेकिन फोकस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डोनाल्ड डू और साइफर के ऊपर रह जाएगा, विच इज़ नॉट टू माई टेस्ट। एनीवे मैं कल वहाँ मौजूद हूँगा और मैं फिर वहाँ से भी बताऊँगा, वहीं से बाहर बैठ कर रिकॉर्ड करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो कांग्रेशनल हेयरिंग जो है वो किस तरह की रही। वो अमेरिका के हिसाब से सुबह 10 बजे होनी है ईस्ट कोस्ट के टाइम में। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट का जो टाइम है EST वो पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। तो फिर अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।